हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपके बीच आप लोगों के बीच में अभी हमने ट्रांजिस्टर की वायरिंग लाया था, तो अब हमारे बीच में आ चुका है कार USB के, जो कि 4440 का बोर्ड है। ये है अभी डबल चैनल में, तो हमें इसे सिंगल चैनल में वायर करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें आपको IC लगाना बताएंगे कि इसमें IC कैसे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास रहा 4440 लोहे वाली IC। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इस लोहे वाली IC को यहाँ से फ्लिप करते हैं। ये देखिए, इसमें काफ़ी अच्छे से इसकी बेंडिंग करी हुई है ताकि इसकी IC निकले ना। ये हम इसकी वो तो हमने इसके रबड़ को निकाल लिया, और उसके बाद ये हमारी लोहे वाली IC को हम यूँ फिलअप करते हैं। ये हमारे लोहे वाली IC है। तो ये पिट्टी, जिसे आप बेच भी सकते हैं, अच्छे रेट पे बिकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम अभी उधर फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा है 4440 का बोर्ड। अब इसमें हम आपको दिखाते हैं कि IC लगाए कैसे। तो फ्रेंड, IC लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये जो वाइट वाला भाग है और इधर ब्लैक वाला, इस पर लिखा हुआ भी है 4440। आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ सीधी 4440। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं सही IC किस तरीके से लगती है। अगर आपको नहीं पता है कि IC किस तरीके से लगाने, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिस तरफ से ये वाइट वाला है, इस तरफ से हम इसको ऐसे लगाते हैं। हमने इसको इस सारे पिनों में लगा दिया, तब ये पिनों में जा नहीं रही है। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम ये देखते हैं, तो ये सारे पिने इसकी शॉर्ट की हुई है। तो सबसे पहले हम इनके पिनों को निकालते हैं। ये देखिए, जब इसकी शॉर्टिंग की जाती है बोर्ड की, तो ये गलती से शॉर्ट हो जाते हैं। तो कोई नहीं, हम सबसे पहले इसकी शॉर्टिंग हटाते हैं, हल्का सा पेस्ट लगा देते हैं, निकल जाते हैं। ये कोई जानबूझ के नहीं करता, ये कभी कभी गलती से हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने इसके सारे पिनों को जो बंद हो गए थे उसे खोल दिया। अब हम IC को लगाते हैं। ये है IC लगाने का सही तरीका, बहुत ईजी है फ्रेंड्स। IC लगा सकते हैं हर कोई अगर लगाना चाहे तो। काफ़ी सिंपल है इसकी IC लगाने का तरीका। ये हमारे पास और ध्यान रहे कि फ्रेंड्स, इसकी पिने शॉर्ट ना हो, सारे अपने अपनी जगह पे टाके लगे होने चाहिए। तो अब हम ये, इसमें डबल बोर्ड है, कोई सिंगल ही ना समझ जाए क्योंकि इसमें दोनों बोर्ड एक ही साथ हैं। तो हम ये देखें फ्रेंड्स, इसकी भी IC लगा रहे हैं। वोल्टेज काफ़ी तेज है और काफ़ी अच्छे से IC की शॉर्टिंग हो रही है। अब हम दूसरे बोर्ड में IC लगाते हैं उसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया कि किस तरीके से हम इस पर IC लगा रहे हैं। इसी तरीके से आप हमारे वीडियो पर बने रहें, वीडियो को छोड़ के ना जाएं। अगर आप वीडियो को छोड़ के जाएंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा IC लगाने का सही तरीका क्या है। हमने इस पर IC लग गई, हमने इसके भी टांगों को फ्लिप कर दिया, और ये IC हमारी। आप देख सकते हैं, ये हमारी IC अंदर से शॉर्ट हो चुकी है, और बाहर से भी आप देख सकते हैं। यही सही तरीका है IC लगाने का। तब ये दो है, मैं इसे तोड़ता हूँ, और ये दो हो गया। अब दो बोर्ड हो गए। अब इसमें लगाना होता है एडसिन, जो कि ये IC की एडसिन होती है, जिससे एडसिन अगर गर्म हो तो ये इसे ठंडा करता है। तो अभी हम हाल फिलहाल एक लगा के आपको दिखा देते हैं ये ठंडा कैसे करता है इसको।
क्योंकि चलते चलते ये आईसी गर्म है। तो फ्रंट ये हमारे पास है 3 सूट का 1/8 का पिच जो कि हम इसमें रख लेते हैं, और ये है हमारे पास 1/8 का नट जो कि ये हमारे लगाने के काम में आता है। तो सबसे पहले हम इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और आईसी के ऊपर ऐसे रख देंगे, और रखने के बाद फ्रेंड्स ये हम पीछे से एक पेज को कसेंगे और फिर दूसरा हम ऐसे कसेंगे। तो अभी हम फैन हल्का हल्का इसे फंसा रहे हैं, और फंसाने के बाद हम इसे एक हमारे पास 1/8 का पाना है जो कि इससे हम इसे कस देंगे, ताकि अगर ये आईसी गर्म होगी तो ये एडसिन इसे ठंडा कर देगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने कारियूसबी का बोर्ड तैयार कर लिया है। अभी इसके पीछे वायर भी निकलेगी, तो वायर की वीडियो हम बाद में बनाएंगे। अभी आपको हमने सिर्फ आईसी लगाना बताया है और आईसी के ऊपर एडसिन कैसे लगाया जाता है ये हमने बताया है। तो आई होप फ्रेंड आप सीख ही लिए होंगे कि 4440 में आईसी कैसे लगानी है। तो फ्रेंड्स आप बने रहिए इसी तरीके से हमारे ब्लॉग चैनल पर। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के साथ में आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके बीच में हमारी नई नई अपडेट पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।